हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एवी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है कोहरा और कैसे बनता है, और कोहरे और कुहासे में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप समय पर देख सकें। तो सबसे पहले क्या है कोहरा। जब नम हवा यानी आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तो जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनाती है। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा के बिना ऊपर उठे ही जलवाष्प जल की नन्ही बूंदों में बदल जाती है, तब हम इसे कोहरा कहते हैं। तकनीकी रूप से यदि मैं कहूँ तो बूंदों के रूप में संघनित जलवाष्प के बादल को कोहरा कहा जा सकता है। यह वायुमंडल में जमीन की सतह के थोड़ा ऊपर फैला रहता है। किसी घने कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। इससे अधिक दूरी पर स्थित चीजें धुंधली दिखाई पड़ने लगती हैं। कोहरा बनता कैसे है? सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर हवा में जलवाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे अतिरिक्त जलवाष्प के शामिल होने से या तापमान के कम होने से संघनन शुरू हो जाता है, यानी कि जो वाष्प है वो छोटी छोटी जल की बूंदों में एक जगह एकत्रित हो जाती है। जलवाष्प से संघनित छोटी पानी की बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती हैं। जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो वायुमंडल में हवा में स्थिर हो जाती हैं। यानी कि धुंध क्या होता है? जब कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होता है तो उसे धुंध कहा जाता है, यानी स्मॉग जिसे कहते हैं। अभी हाल ही में जो दिल्ली में देखने को मिला वो भी स्मॉग ही था। कुहासा या धुंध भी एक तरह का कोहरा ही होता है, बस दृश्यता का ही इसमें अंतर होता है। यदि दृश्यता की सीमा 1 किलोमीटर या इससे कम हो तो उसे कुहासा या धुंध कहते हैं। अब कोहरे और कुहासा में क्या अंतर होता है? कोहरा और कुहासा दोनों हवा के निलंबित कणों पर जल की सूक्ष्म बूंदों से बने होते हैं। इनमें जल की सूक्ष्म बूंदों के घनत्व के कारण अंतर होता है। कुहासे की तुलना में कोहरे में जल की सूक्ष्म बूंदें अधिक होती हैं। कोहरे की एक परिभाषा के अनुसार कोहरे में दृश्यता की सीमा 1000 मीटर से कम रह जाती है। यह सीमा हवाई यातायात व्यवस्था के लिए उचित है, लेकिन आम जनता और वाहनों के लिए दृश्यता की 200 मीटर अधिकतम सीमा अधिक महत्वपूर्ण है। दृश्यता के 50 मीटर के कम हो जाने पर यातायात संबंधी अनेक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। ड्यू पॉइंट क्या होता है? तापमान की वह अवस्था जिस पर हवा में मौजूद जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होना शुरू कर देती है। हवा में जलवाष्प की कुछ मात्रा मौजूद रहती है जिसे आर्द्रता या नमी कहा जाता है। हवा में जलवाष्प की यह मात्रा ताप और वायुदाब पर निर्भर करती है। एक निश्चित वायुदाब और ताप पर हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा निर्धारित होती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि कोहरा या कुहासा या धुंध क्या होता है। यदि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं प्रत्येक दिन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हिंदी एवी नोट्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप समय पर देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।